हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की दिलचस्प दुनिया में जाएंगे। आप जानते हैं, IQ और EQ से भरी इस दुनिया में हम अक्सर अपने होने के एक महत्वपूर्ण पहलू को भूल जाते हैं, हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। यह वह आंतरिक दिशा निर्देश है जो हमें अर्थ, उद्देश्य और खुद से और अपने आसपास की दुनिया के साथ गहरे संबंध की ओर ले जाता है। अगर आपके अंदर ये 11 संकेत हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास उच्च स्तर की स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, जो आपको जीवन की जटिलताओं को अधिक जागरूकता, सहानुभूति और लचीलापन के साथ नेविगेट करने की अनुमति देती है। आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली आंतरिक शांति की गहरी भावना से लेकर आपके द्वारा प्रसारित करुणा तक, ये संकेत केवल लक्षण नहीं है, वे आपके अस्तित्व की सुंदर गहराई का प्रमाण है। अगले कुछ मिनटों में हम प्रत्येक संकेत, इसके लाभों और मानव जाति की बेहतरी के लिए आप उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जब हम अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का पोषण करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बदलते हैं, हम एक अधिक दयालु, समझदार और सामंजस्यपूर्ण दुनिया में योगदान करते हैं। उच्च स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का पहला संकेत है गहरी एम्पैथी। सिर्फ समझने की क्षमता नहीं, बल्कि दूसरों की भावनाओं को सचमुच महसूस करने की क्षमता। ये अपने खुद के अनुभवों की सीमा से बाहर निकलने और दूसरे के जूतों में कदम रखने जैसा है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, न केवल किसी के दर्द को सुनने में सक्षम होना, बल्कि उसे अपने साथ ले जाने, उनके बोझ को साझा करने में सक्षम होना। उच्च स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वाले लोग दिल से दिल तक जुड़ने, दूसरों की नजर से दुनिया को देखने और जरूरत के समय सांत्वना और समझ प्रदान करने की इस अविश्वसनीय क्षमता के धनी होते हैं। यह सहानुभूति ही है जो उन्हें करुणा के पुलों का निर्माण करने और अपने आसपास के सभी लोगों के लिए अधिक सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व बनाने की अनुमति देती है। क्या आपको कभी कोई गट फीलिंग आया है, कोई गहरी आंतरिक जानकारी जिसने आपका सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन किया हो? मेरे दोस्तों, यही आपका इंट्यूशन बोल रहा है, उच्च स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का दूसरा संकेत। ये भीतर की वह शांत फुसफुसाहट है जो अक्सर बाहरी दुनिया के शोर से दब जाती है, आपको आपके असली उत्तर की ओर ले जाती है। जब आप अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तो आप ज्ञान के एक ऐसे स्रोत का दोहन करते हैं जो तर्क और कारण से परे होता है। यह सूक्ष्म संकेतों, सिंक्रोनिसिटीज और आपकी आत्मा की फुसफुसाहट को पहचानने के बारे में है, जो आपको आपके उच्चतम मार्ग की ओर ले जाती है। अंतर्ज्ञान को विकसित करने के लिए शांति, चिंतन और उस आंतरिक आवाज को सुनने की इच्छा की आवश्यकता होती है, जो हमेशा आपके हित में होती है। दैनिक जीवन के बवंडर में अराजकता और अनिश्चितता में बह जाना आसान है, लेकिन उच्च स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वाले लोग तूफान के बीच शांति पाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। वे आंतरिक शांति बिखेरते हैं। कल्पना कीजिए, एक शांत तालाब ऊपर आकाश की सुंदरता को दर्शाता है, सतह पर लहरों से अविचलित। यही आंतरिक शांति है, मन की एक अटूट शांति जो भीतर से आती है, एक गहरी जड़ें वाली यह जानते हुए कि सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। यह चुनौतियों की अनुपस्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि अनुग्रह, संयम के साथ उन्हें नेविगेट करने की क्षमता के बारे में है, और एक उच्च शक्ति में अटूट विश्वास। अध्याय 4, करुणा आत्मा की भाषा। करुणा उच्च स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का चौथा संकेत, जिसे अक्सर आत्मा की भाषा के रूप में वर्णित किया जाता है। यह न केवल दुख को पहचानने की क्षमता है, बल्कि इससे प्रेरित होने की, दूसरों के दर्द को कम करने की गहरी इच्छा महसूस करने की क्षमता है। दयालुता के कार्य को देखने की कल्पना करें, एक अजनबी किसी की जरूरत में मदद कर रहा है, एक हाथ सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ रहा है। करुणा वह शक्ति है जो हमें कार्य करने, अपनी आवश्यकताओं से परे खुद को आगे बढ़ाने और दूसरों की भलाई में योगदान करने के लिए मजबूर करती है। यह हमारी साझा मानवता को पहचानने के बारे में है, यह समझते हुए कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, और यह कि हर क्रिया, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, दुनिया में बदलाव लाने की शक्ति रखती है। अध्याय 5, माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षण में जीना। विकर्षणों से भरी दुनिया में माइंडफुलनेस बिना किसी निर्णय के अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर लाने का अभ्यास है।
यह जीवन की साधारण खुशियों का आनंद लेने के बारे में है। आपकी सुबह की कॉफी का स्वाद, आपकी त्वचा पर सूरज की गर्मी, प्रियजनों की हंसी। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अपने फोन को नीचे रखना, अपने मन के निरंतर बक बक को शांत करना और वास्तव में यहाँ और अभी खुद को विसर्जित करना। उच्च स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वाले लोग समझते हैं कि वर्तमान क्षण ही हमारे पास वास्तव में है। वे ध्यान, गहरी सांस लेने और कृतज्ञता जैसे अभ्यासों के माध्यम से माइंडफुलनेस की खेती करते हैं, जिससे वे अधिक स्पष्टता, प्रशंसा और शांति के साथ जीवन का अनुभव कर सकते हैं। अध्याय 6, परोपकार बिना उम्मीद के देना। परोपकार उच्च स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का छठा संकेत, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना देने का निस्वार्थ कार्य है। ये मदद के लिए हाथ बढ़ाने, समर्थन देने और दूसरों की भलाई में योगदान करने के बारे में है, क्योंकि ऐसा करने से अच्छा लगता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर कोई इसी दर्शन के साथ जीवन यापन करता हो। उच्च स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वाले लोग समझते हैं कि सच्ची संतुष्टि हमें जो मिलता है उससे नहीं, बल्कि जो हम देते हैं उससे मिलती है। वे सेवा के कार्यों में दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने में और दुनिया को उससे बेहतर जगह छोड़ने में खुशी पाते हैं जितना उन्होंने पाया था। अध्याय 7, आत्म जागरूकता, अपने सच्चे स्व को जानना। आत्म जागरूकता स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की आधारशिला है। भीतर झांकने की क्षमता, अपने विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं को स्पष्टता और ईमानदारी से समझने की क्षमता, यह आपकी ताकत और कमजोरियों, आपके जुनून और आशंकाओं को पहचानने और आपके होने के सभी पहलुओं को अपनाने के बारे में है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक दर्पण न केवल आपके शारीरिक रूप को दर्शाता है, बल्कि आपकी आत्मा की गहराई को भी दर्शाता है। उच्च स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वाले लोग आत्म खोज की निरंतर यात्रा पर हैं। वे अपने उद्देश्य, अपने मूल्यों और जीवन के भव्य ताने बाने में अपने स्थान को समझना चाहते हैं। अध्याय 8, उद्देश्य प्रेरित, इरादे से जीना। क्या आपने कभी किसी विशेष रास्ते या जुनून के प्रति एक गहरी समझ, एक बुलावा महसूस किया है? मेरे दोस्तों, यही उद्देश्य प्रेरित होने का सार है उच्च स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का 8वां संकेत। यह आपके कार्यों को आपके मूल्यों के साथ संरेखित करने के बारे में है। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने जुनून का पीछा करना और ऐसा जीवन जीना जो सार्थक और पूर्ण लगे। कल्पना कीजिए कि हर सुबह उत्साह के साथ जागना, यह जानते हुए कि आप अपनी आत्मा के उद्देश्य के साथ संरेखण में जी रहे हैं। उच्च स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वाले लोग केवल अस्तित्व में नहीं होते, वे इरादे से जीते हैं। वे समझते हैं कि जीवन एक अनमोल उपहार है और वे अपने जुनून को आगे बढ़ाकर हर पल का सबसे अच्छा उपयोग करने का प्रयास करते हैं और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालना। अध्याय 9, जीवन के ताने बाने में प्रकृति परम कलाकार है, आश्चर्य, प्रेरणा और गहन संबंध का स्रोत। उच्च स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वाले लोग प्राकृतिक दुनिया के प्रति विस्मय और श्रद्धा की गहरी भावना महसूस करते हैं। घास पर नंगे पैर चलने, अपने बालों में हवा को महसूस करने या तारों से भरे आकाश को देखने की भावना की कल्पना करें। ये अनुभव हमें चीजों की भव्य योजना में हमारे स्थान की, सभी जीवित प्राणियों के परस्पर संबंध की याद दिलाते हैं। वे उस सुंदरता और प्रचुरता के लिए कृतज्ञता की भावना पैदा करते हैं जो हमें घेरे हुए हैं, और हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रेरित करती है। अध्याय 10, कृतज्ञता, उच्च स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का 10वां संकेत, आपके आशीर्वादों को गिनने का अभ्यास है, बड़े और छोटे दोनों। यह आपके ध्यान को आपकी कमी से हटाकर आपके पास जो है उस पर केंद्रित करने और आपके जीवन में पहले से मौजूद प्रचुरता की सराहना करने के बारे में है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक गहरी सांस लें और अपने जीवन में सभी अच्छी चीजों पर विचार करें, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, आपके सिर पर छत। उच्च स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वाले लोग समझते हैं कि कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं है, यह एक विकल्प है। वे अपने दैनिक जीवन में कृतज्ञता पैदा करने के लिए सचेत प्रयास करते हैं, ये पहचानते हुए कि चुनौतियों के बीच भी हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आभारी होना चाहिए। अध्याय 11, जीवन एक ऐसी यात्रा है
जो उतार चढ़ावों से भरी होती है। यह अवश्यंभावी है कि हमें चुनौतियों, असफलताओं और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उच्च स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वाले लोगों के पास पहले से कहीं अधिक मजबूत वापसी करने की अविश्वसनीय क्षमता होती है। वे लचीलापन का प्रतीक हैं। एक पेड़ की कल्पना कीजिए जो तूफान का सामना कर रहा है। उसकी शाखाएं झुक रही हैं लेकिन कभी नहीं टूट रही हैं। उसकी जड़ें जमीन में मजबूती से टिकी हुई हैं। उच्च स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वाले लोग समझते हैं कि चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें आकार देने के लिए होती हैं। वे अनुग्रह, साहस और काबू पाने की अपनी क्षमता में अटूट विश्वास के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं। आउटरो, देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। याद रखें, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों के जीवन को बहुत बढ़ा सकती है। ये एम्पैथी, कंपैशन और ग्रेटिट्यूड जैसे गुणों को विकसित करने और उद्देश्य, अर्थ और संबंध के जीवन जीने के बारे में है। जैसे जैसे हम आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, अपने आध्यात्मिक पक्ष का पोषण करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इन 11 संकेतों को अपनाकर हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक सामंजस्यपूर्ण और पूर्ण अस्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। अधिक व्यावहारिक सामग्री के लिए बने रहें। अगली बार तक आप अपनी यात्रा में शांति, उद्देश्य और संबंध पा सकते हैं।